हिंदी फिल्मों के बायकॉट से किसे हो रहा है फायदा, क्योंकि वो चाहता है खत्म हो जाए बॉलीवुड। स्क्रीन पर अभी आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये 1.39 लाख करोड़ रुपए है। ये वो रकम है जो हर साल बॉलीवुड की फिल्में कमाती है। देश की जीडीपी में हर साल हिंदी फिल्में करीब करीब इतनी ही रकम जोड़ती है, लेकिन बॉलीवुड के इतिहास में यह पहला मौका है जब बीते 8 महीनों में रिलीज 29 फिल्मों से 26 या तो फ्लॉप हो गई या डिजास्टर साबित हुई है। अभी हालात ऐसे हैं कि इधर फिल्म बनाने की घोषणा होती है और उधर सोशल मीडिया पर #बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर भारी भरकम राजस्व कमाने वाली बॉलीवुड को किसकी नजर लगी है? अगर बॉलीवुड को लगातार घाटा हो रहा है तो आखिर फायदा किसे हो रहा है? क्या कोई ऐसा है जो चाहता है कि बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो जाए, इसका बिजनेस बुरी तरह तबाह हो जाए? कई बार हमारे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है लेकिन हम देख नहीं पाते। कुछ कुछ फिल्मों की कहानी की तरह ही, जहां हमें जो दिखाया जाता है हम उसी पर भरोसा करने लगते हैं। जैसे हमें यह बताया गया कि बॉलीवुड की फिल्म का बायकॉट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहां नेपोटिज्म है, क्योंकि यहां असली कहानियां नहीं है। इतने से भी बात नहीं बनी तो इसे अलग रंग दिया गया, कहा गया कि बायकॉट होना चाहिए क्योंकि बॉलीवुड के हीरो और हीरोइन देश के हित में नहीं सोचते हैं, वो एक धर्म विशेष को जानबूझकर बदनाम करते हैं, हमसे कहा गया और हमने मान लिया। जबकि बस एक पल के लिए जिस ट्वीट में यह बात कही गई, अगर उसके नीचे की ट्वीट को देखते तो सब समझ आ जाता कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अगली बार जब भी किसी फिल्म के बायकॉट को ट्रेंड को देखो तो ट्रोल करने वाले हर दूसरी ट्वीट पर गौर कीजिएगा। आपको एक बात कॉमन दिखेगी, हर दूसरे ट्वीट में बॉलीवुड की फिल्म और इसके एक्टर्स की नेगेटिव इमेज दिखाने के साथ फिल्म मेकर्स के बारे में कुछ नेगेटिव बात की जा रही होगी। यानी हमें बताया जा रहा है कि बॉलीवुड बुरा है और ये अच्छा है, ये हीरो गलत है, ये हीरो सही है। यानी धीरे धीरे ऐसे सैकड़ों लाखों ट्वीट्स के जरिए हमारे दिमाग में यह बात दही की तरह जमा दी गई है कि एक हीरो बुरा है और दूसरा वाला सही है। अब जरा सोचिए कि ये दूसरा वाला हीरो कौन है, वो दूसरी वाली फिल्म कौन सी है जो सच्ची है, वो अच्छे वाले फिल्म मेकर्स कौन है जो अच्छी फिल्में बना रहे हैं। साफ दिखने लगेगा कि दर्शकों के दिमाग के साथ कैसे खेला जा रहा है। और जिसे समझ में आया है वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।